दस मिनट बाद जाते ना फिर मेरी कुड़ी नहीं बचनी सी, मेरी कुड़ी बिल्कुल नहीं बचनी सी। फिर तुसी अंदाजा ला सकते हो कि हाल होना सी उहदा। पर मैं कह रहा अज जिहड़ा दो साल की बच्ची ना अज घटना होने तो बची आ, सही गल सीरियस गल कही कि सोचते तिया बना जमे ही नहीं, सही सी गेट टिकट आया अंकल अंकल चिल्लाए गुड़िया मेरी अंदर हो रही थी, फिर जेट गेट खुला गुड़िया को उन्होंने अपने हाथ में लिया और उसके बाद पूछा कि अंकल क्या कर रहे थे, अंकल ने मुझे बिस्कुट दिया और मेरे तो घर दे विच तियां बड़ा सेफ नहीं, बाहर के सवाह होंगे, दो साल की बच्ची सेफ है नहीं तो 80 साल की मां भैन मामा भैन के कितने सेफ होंगे। सारे लेके आए कुटन लगे, नहीं देखे कि बंदे खरे जनानियां खरे 10-12 बंदे आए हमला करते सारे आते। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं विशाल कपूर। गल की आऊगी छोटी बच्चियों तो लैके महिलावान तक की। छोटी बच्चियां तो लुधियाना शहर सुरक्षित नहीं है, सानेवाल के इलाके मौजूद हैं जिते मैं 2-3 साल की बच्ची है जिस किया गया, लेकिन उस तो बाद उस बच्ची कि सहम गई सी। लेकिन पंजाब दे विच पंजाब की गल की जाए तो पंजाब दे विच कोई ऐसा कानून नहीं है जिते बच्चियां दे नाल जो ऐसे हरकतां हुंदियां उन्हां दे उत्ते सख्त कदम उठाए जाण या उन्हां नूं ऐसी जेलां च पाया जाए जिथों बाहर ना पाण। लेकिन पिता मौजूद है, माता मौजूद है, गलबात करदे आ। सर कल परसों शाम की 4 बजे की बात है, मैं अपने शॉप पर चला गया था, मेरी वाइफ घर पे थी, ये ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को, ये 4 बजे इनकी ट्यूशन की क्लास था, बच्चे आ गए, सारे बच्चे अंदर बढ़ गए, 4 बजे तक पढ़ने लगे। मैं छोटी सी गुड़िया थी 2 साल की, वो बाहर खेलने लग गई, इन्होंने देखा कि सारे बच्चे अंदर आ गए, 2-5-10 मिनट बाद देखा कि मेरी छोटी वाली गुड़िया अभी तक नहीं आई है। उन्होंने पूछा कि गुड़िया कहाँ है, हमने आस पास इन्होंने गया, इन्होंने जाके देखा किसी घर में नहीं थी, फिर सामने एक गेट खुला था वहाँ गए। कौन सा घर पे से? वो सामने घर है सर, वहाँ पे ये एक्टिवा लगी जो। हाँ जी हाँ जी, आपका घर सामने? हाँ जी सामने घर था जी, हम वहाँ गए, इन्होंने देखा तो गेट टिकट आया अंकल अंकल चिल्लाए गुड़िया मेरी अंदर रो रही थी, फिर जेट गेट खुला गुड़िया को इन्होंने अपने हाथ में लिया और उसके बाद पूछा कि अंकल क्या कर रहे थे, अंकल ने मुझे बिस्कुट दिया और मेरे तो मैं इन्होंने फिर ये रोने लगी, ये उसको 1-2 थप्पड़ मारी और गुड़िया को लेके आ गई, फिर मुझे फ़ोन किया, मैं आया और आते ही मैं उसको गया 3-4 थप्पड़ मारी और मैंने बोला कि अपने कॉलोनी के जो हमारे प्रधान हैं सचिन जी उनको मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी कॉलोनी में बात हो रही है, ये बंदा हमारे बेटे के साथ गलत कर रहा है, आप लोग आओ। उन्होंने कहा ठीक है जी हम काम पर हैं, सब जाने हम आ रहे हैं, टेंशन मत लो, कॉलोनी की बात है, ऐसे बंदों के साथ हमें। प्रधान साहब को 6-7 बजे आए, उससे पहले इनका इसका कोई बंदा पीछे इसने फ़ोन किया, इसके 5-6 बंदे आए पीछे से और आगे डायरेक्ट हम पे हमला कर दिया, ये नहीं सोचा कि गलती किसकी है किसकी मतलब नहीं है। एक बच्ची ने गलत हरकत भी की, तो बदमाश बुला के कुटवाया भी। मेरे प्राणों देखो आप मुरे, हेलो भैया वो इनके एक कैंसर दे मरीज ने, इन्हों मैं चंडीगढ़ भेजे आए तो इलाज कराता पा, ये पूरा इधर थप्पड़ मार के मेरे पूरे हाथ उजा के लड़कियां के नाल इज्जत खेल भी लीए तो उस बाद परिवार आवे तो उन्होंने कुटमार भी करिए। थाना की कहता फिर? थाना भी जीता, अभी तो 3 दिन हो गया अभी तक कोई सुनवाई नहीं, वो जो मारपीट किए हैं सब ऐसे घूम रहे हैं, ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं, मेरा वो सुए पर दुकान है वहाँ जाके धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैं महिलाओं को पूछूंगा, महिलाओं सुरक्षित, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो तुम कितना सुरक्षित हो? पड़ोसी है, चोट लगी है हाथ में और उन लोगों बाहर से भी 2-4 गुंडे बुला रखे थे जी, अपनी कॉलोनी के भी गुंडे आए और हेलमेट से मारपीट करने लगे, डंडे हेलमेट सारे लेके आए कुटन लगे, नहीं देखे कि बंदे खड़े जनानियां खड़े 10-12 बंदे आए हमला करते सारे। वीडियो है कि सीसीटीवी फुटेज जिन्ना जो शक्ल आंदी है? उस टाइम तो असि इत्थे ना बैठे से, असि सोच रहे से कि सारे सामने इकट्ठे होके ना कि कोई गल, हुण तो उस टाइम कुछ पता नहीं लग रहा से की करना नहीं करना, असि सारे जनानियां बैठे सीगे, सोचे कि चलो बंदे आ जाणगे सामने घर नूं बैठ के गल करांगे, जब तक उन्होंने सारे बंदे आए, 12 बंदे मंगाए, जनानियां बंदे नूं सारे घरे भर के कुटन लगे। मतलब हुण चलो एक तो चोरी उत्तों सीना चोरी वाला सवाल हो गया, लेकिन पुलिस ने की किया, कोई काम किया? कर रहे ने सर, करवाई तो कर ही रहे ने, 3 दिन हो गया, पर 3 दिन बाद सुनवाई करने की गल केड़ी होगी, 3 दिन दे विच बच्ची नाल कुछ हीजियस क्राइम हो जाता फिर पुलिस की करती? हाँ जी हाँ जी, तुसी ओ तो सतर्क दे नाल मैं जस्ट गई ते जे मैं 10 मिनट बाद जांदी ना फिर मेरी कुड़ी नहीं बचनी सी, मेरी कुड़ी बिल्कुल नहीं बचनी सी। फिर तुसी अंदाजा ला सकते हो कि हाल होना सी उहदा, फिर असी कैंडल मार्च ही करना सी इत्थे बह के, फिर कैंडल मार्च ते बड़े लोग आ जांदे ने लेकिन इस वेले तां कोई आंदे नहीं गए, इस वेले कोई नहीं आ रहा ना फिर अगे, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ FIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ PC ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ PC ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PC ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਫੋਨ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ PC ਕਰਾਵਾਂ ਜਨਰਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
रात नूं ते सजाद जी आए थे ना आप दुर्गेश जी से सच नूं बुलाया वा ते मेरे नाल गल हुई है वो कहंदे आप ही तुहाडे नाल खड़े हैं जी तुहाडे साथ हैं जी उन्होंने उन्होंने कहा सानूं फोन करके तुहाडी सोच ते तुहाडी समझदारी करके बच्ची ना गलत कम होने तो बच गया लेकिन हाँ जी ये तो है बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਅਫੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਪੋਸਟ ਕੋ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੂਮ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੋ ਐਕਟ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹ ਕਾਪ ਜਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਪੋਸਟ ਕੋ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਟੋਲ ਮਟੋਲ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪ ਕਿ ਨਾਮ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਾਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਪਾ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇਗੇ ਹੁਣ ਤੀਆਂ ਪਣਾ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੀਆਂ ਪਣਾ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਚਦੇਗਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਪਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਣਗੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੇਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋੜ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਭਾਜੀ ਖਾਲੀ 4-5 ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ बस एक एक गल हुंदी मेरे पुलिस काम कर रही है थाने की गलबात हुई सर थाने गल हुई थी ये सारा मैटर बताया गया था पुलिस ने बोली हमने कार्रवाई पूरी करूंगी करेंगे छोड़ेंगे नहीं लोगों को लेकिन सर 3 दिन हो गया कोई कार्रवाई तो हुई नहीं अभी तक अभी भी पुलिस बोल रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं कार्रवाई तो कुछ हुआ नहीं और बंदे ऐसे बाहर घूम रहे हैं और सर धमकी दिए जा रहे हैं जितने FIR करना है कर मैं तो तेरे घर जला दूंगा पूरी कॉलोनी जला दूंगा मेरे पास इतने बंदे हैं बंदे ऐसे बोल रहे हैं सर खुलेआम और घूम रहे हैं तो पुलिस क्या कहती फिर पुलिस कहती है कोई ना कोई हम बैठे हैं कोई हेलो सत श्री अकाल सर विशाल गल कर रहे हैं लुधियाना लाइव तो पत्रकार ठीक हो SHO साहब हां जी हां जी SHO साहब लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਐਕਟ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਪੋਸਟ ਕੋ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੋਸਟ ਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ लेकिन इस मामले दे विच कोई ऐसा कानून लिया जाए जिदे विच बच्चियां नाल जिहड़े गलत काम करते उन्हां नूं ऐसी सजा दी जाए पोस्को नूं वध तों वध उस तों विच कोई ऐसे अफेंस जिहड़े लगाए जाण कि वह बाहर आण ही ना ते सारी उम्र आ सोच के बैठे रहन कि मैं गलत काम किया कि दूजिया बंदे जिहड़े काम करते हैं उन्होंने कन्न हो जाए कि असी किसी बच्ची या धी भैण वाल देखना नहीं क्योंकि सानूं ऐसी सज़ा मिल सकती है कि साडी सारी जिंदगी दी जिंदगी खराब हो सकती है हुण देखदे आ गृह मंत्री अमित शाह किहड़ा कानून दे विच लैके आणगे कि नहीं आणगे पुलिस अपने वल्लों कार्रवाई कर दिंदी है लेकिन मंत्री लेवल दे वड्डे गृह मंत्री जिहड़े बैठे हुए ने उह इहदे विच कानून दे विच की अनुच्छेद कर सकदे ने की नहीं कर सकदे लुधियाना कैमरामैन एमी दे नाल विशाल कपूर लुधियाना लाइव।